खदान में डूबी बच्ची का दो दिन के बाद भी कोई पता नहीं। झारखंड के हजारीबाग में चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंद पड़े खदान में एनडीआरएफ की टीम एक बड़ी खोज अभियान चला रही है। खोज अभियान 8 साल के बच्ची के शव को ढूंढने के लिए चलाई जा रही है। 55 घंटे के बाद भी बच्ची के शव को खोजा नहीं जा सका। खदान की गहराई अधिक है और यह बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। एनडीआरएफ की टीम पूरी कोशिश कर रही है, पानी में तरंगे उत्पन्न कराई जा रही है। पानी में बोट को चारों ओर से घुमाया जा रहा है, इसके बावजूद भी शव ऊपर नहीं आ रहा। आशंका जताई जा रही है कि इस खदान के गहराई में पत्थर है और उसी पत्थर के बीच में उसका शव फंस कर रह गया है। गोताखोर भी अंदर जा रहे हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा और उसके शव को कैसे निकाला जाएगा, यह बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा हो चुका है। भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण खदान के पास सुबह से लेकर शाम तक डटे हुए हैं। बस सभी को इंतजार है कि शव को बाहर निकाला जाए। 8 साल की बच्ची शनिवार को नहाने के दौरान खदान में डूब गई। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस गहरे खदान में डूबी उस बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा। सभी के लिए अब यह बड़ा प्रश्न हो चुका है कि वह बच्ची आखिर कहां गई। शनिवार को दोपहर 1 बजे से बच्ची की खोज जारी है। शनिवार देर शाम तक स्थानीय लोगों ने खोज किया। देर रात होने की वजह से रविवार सुबह भी खोज की गई। रविवार को दोपहर के करीब 2 बजे से एनडीआरएफ की टीम भी मृत बच्ची के शव को खोजने में लग गई। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी रविवार का दिन निकल गया। सोमवार को भी यह खोज अभियान चलाया गया, शाम तक उसका शव नहीं खोजा जा सका। देर शाम हो जाने के कारण खोज अभियान को बंद कर दिया गया। मंगलवार को फिर से खोज अभियान चलाया जाएगा। खबर के बारे में एक बार फिर आपको बता दें, शनिवार दिन के करीब 1 बजे हजारीबाग जिला के चरही थाना क्षेत्र के सीसीएल के 42 नंबर खदान में शनिवार को एक बच्ची संजना कुमारी डूब गई। 55 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्ची के शव को बरामद नहीं किया जा सका। बच्ची की मां महिला बैजंती देवी, पति रंजीत चौहान, अपने 3 बच्चों सोनिया कुमारी 10 वर्ष, संजना कुमारी 8 वर्ष एवं शिवम कुमार 4 वर्ष के साथ शनिवार को लगभग 1 बजे नहाने गई थी। नहाने के दौरान उसकी 8 वर्षीय बच्ची गहरे खदान में डूब गई। 55 घंटे से भी अधिक समय तक खोज अभियान चलाया गया लेकिन उसके शव का कुछ पता नहीं चल सका। सुबह फिर से बच्ची के शव को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। भगवान से दुआ करें कि बच्ची जल्द मिल जाए। क्या मंगलवार को बच्ची का शव निकाल लिया जाएगा, यह तो फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन यकीनन एनडीआरएफ कुछ नया तरीका अपनाएगी और बच्ची के शव को खोजने में अपनी पूरी जोर लगा देगी। झारखंड दृष्टि न्यूज, हजारीबाग की खबरों के लिए सत्य, सटीक और निष्पक्ष।